हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और ये कोई हमारा 30वां व्लॉग है जी। और मेरे लिहाज से आई हैव डिड ए माइलस्टोन। मैंने 30 दिन इकट्ठे रेगुलर व्लॉगिंग की और डेली आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। और इन 30 दिनों में तकरीबन लास्ट 20 दिनों से भाई की तबीयत भी नासाज थी। और आपको आज के व्लॉग का जो टाइटल है वो भी पता चल गया होगा, उससे लगा होगा कि शायद तबीयत फिर से ख़राब है। तो बिल्कुल जी, राइट नाउ ये सीन्स हैं जी। पहले ये था कि किसी और डॉक्टर से डायग्नोसिस हो चल रहा था, लेकिन वो पहली दफ़ा लाइफ में उस डॉक्टर से मैंने विज़िट किया और उसको चेक वेक करवाया। तो खैर वहाँ से अब गया मैं उसके बाद जी क्या कहते अपने फैमिली डॉक्टर के पास, क्योंकि पहले फैमिली डॉक्टर जो था वो नहीं था क्लिनिक पे, मतलब ड्यू टू कोरोना वायरस उसने स्किप किया हुआ था। तो अभी भी वो उसने स्किप किया हुआ है, वो क्लिनिक पर नहीं होता। सो वहाँ पर उनके असिस्टेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी अपनी तबीयत बताई उनको। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से मेरी बात करवाई, डॉक्टर साहब को मैंने सारी चीज़ें बताई। तो फिर उन्होंने जी कहा कि आपका जो डायग्नोसिस हो रहा था वो जिस डॉक्टर से आप करवा रहे थे वो सही से नहीं हो रहा था, ठीक है। और जो आपको उन्होंने टैबलेट्स वगैरह दी वो काफ़ी स्लो वर्क करती हैं और वो आपके साथ नहीं मतलब चल पा रही थी। तो घबराने की बात नहीं है, 3 दिन मुसलसल हमें आपको मुआयने में रखना पड़ेगा, ठीक है जी। और आपको ड्रिप्स लगेंगी, जिसमें से आज 3 ड्रिप्स लगी हैं भाई को और बाकी 2 दिन और लगनी है। सो अभी तबीयत थोड़ी बेहतर है, तबीयत बेहतर हो जाती है आप सबको पता है, फिर ख़राब हो जाती है, फिर बेहतर हो जाती है, फिर ख़राब हो जाती है। लेकिन बात यह कहने की है, 30 दिनों में से 20 दिन मैंने तबीयत ख़राब अक्सर होती थी, फिर भी ब्लॉगिंग करनी होती थी, नहीं होती थी फिर भी ब्लॉगिंग करनी होती। तो लोंडे को देख रहे हो कितना कमिटमेंट है, अभी भी लेफ्ट हैंड से मोबाइल पकड़ा हुआ है और ब्लॉगिंग कर रहा है, कैमरा हिल रहा है, शेक ही कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, भाई ने ब्लॉगिंग करनी है। सो इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा कि पहले भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, अब भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे दोस्त जो हॉस्टलाइज्ड है वो खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात किया करें और देखा करें कि कौन सी चीज़ खा रहे हैं कौन सी नहीं खा रहे, और ताकि सेहतमंद रहे इंसान। क्योंकि मैं पिछले काफ़ी सारे दिनों से बेयर कर रहा हूँ खुद को, और मैं वो बंदा हूँ जो बीमार नहीं होने वाला हूँ। और शायद इसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि पहले मैं स्पोर्ट्स मैन था, तो अब 2 साल हो गए कुछ भी स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं खेला। और पहले इससे पहले ये होता था कि सुबह घर से निकलना था, शाम को वापस आना था। 2-3 साल हो गए बिल्कुल मैं स्पोर्ट्स से बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर चुका हूँ और बिल्कुल नहीं खेलता। तो शायद इस चीज़ की कमी है। तो कीप एक्सरसाइजिंग, कीप टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप टेकिंग केयर के आप लोग क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, देख के कुछ खाना चाहिए, और अगर बुरा खा रहे हो तो साथ में हेल्दी भी कुछ ना कुछ खाना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी और कुछ अकल लगा होगा। बस इजाज़त चाहते हैं इसी के साथ, बस थोड़ी सी दुआएं किया करें भाई के लिए कि भाई जल्द से सेहतयाब हो जाए और आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।